ओम शांति। 13-5 के ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न है, अंत समय में बाबा किन बच्चों को सहायता देते हैं? जवाब है, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने बाबा उन्हें मदद करेगा। दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार किस रूप में है? जवाब है, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। तुम बच्चे समुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो, इसका यादगार रुंड माला में मुखड़ा ही दिखाते हैं। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने ये मुखड़ा किराए पर लोन लिया है, ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने में कितना फायदा होता होगा। पहले पहले इनके कान सुनते होंगे, बल फट से तुम सुनते हो, परंतु ये तो सबसे नज़दीक तो इनके ही कान है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है और आत्मा कानों द्वारा ही सुनती है, दूर में तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए ही हो बाबा के पास बाबा का मुखड़ा देखने के लिए। अब बाबा की मत पर हम भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। यह रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, यहाँ नर से नारायण बनते हैं, साक्षात्कार भी बाबा कराता है, फिर जो गलत काम करता है उनको सजा भी मिलती है। तुम्हारे में ये बातें बहुत कम समझते हैं, जो समझते हैं वे अच्छी रीति धारण करते भी हैं, कराते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। परम पिता परमात्मा कहने से जरूर वर्षा तो उनसे मिलता ही होगा। अब बाबा कहते, बच्चे बाबा मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों ही हो। बाबा कहते, बच्चे दो प्रकार के ब्राह्मण होते, सार सिद्ध और पुष्करणी, शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। तो बाबा बैठ कितनी बातें हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, सबको चलना है, सब मच्छरों सदृश अपने घर चलेंगे। देखो ये पढ़ाई तुम्हें ब्रह्मचर्य में पढ़नी है, श्रीमत पर चलना है। बच्चों का काम है इस समय पुरुषार्थ करना, इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का पुरुषार्थ बन जाता है। पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, ये स्कूल है बहुत बड़ा है तो जरूर पढ़ना चाहिए, भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, ये बाबा कभी मिस नहीं करेगा। ये तुम बच्चे सम्मुख जानते हो कि हम इन खजानों से झोली भर सकते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा, बंधन नहीं है फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है, बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहते, बच्चे पूरे रिफ्रेश हो जाओ, बाहर जाने से तो नशा नहीं रहता है, बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से नशा चढ़ जाता है, बड़ी आफतें आनी हैं, मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है, ज्ञान खजाने से रोज़ झोली भरनी है। ये पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है, किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालने हैं। वरदान है, भाग्य विदाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विदाता बाबा ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़फते हैं कि भगवान की एक सेकंड नज़र पड़ जाए और आप नैनों में समाये हुए हो, इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता तो भाग्य को बढ़ाते चलो, बढ़ाने का सहज साधन बांटना, जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन है, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास बढ़ाओ।
और आज का स्वमान मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ओम शांति। प्रश्न है, पहला प्रश्न, सबसे बड़ी खुश नसीबी क्या है? दूसरा, दुनिया सेकंड की नज़र के लिए तरसती है और आप बच्चों की खुश नसीबी क्या? तीसरा प्रश्न है, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए कौन सा अभ्यास बढ़ाएं? और चौथा प्रश्न है, आज का गीत क्या है? मम्मा बाबा मिसल हम भी क्या हैं? और पांचवा प्रश्न है, यह पढ़ाई कैसे पढ़नी है? ओम शांति।